ट्रंप साहब का अब्दुल अब्दुल कौन है और क्या यूक्रेन रशिया के अंदर नेटो वेपन्स के साथ हमले कर सकता है? लेट अली शो यू के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने चंद दिन पहले अब्दुल अब्दुल करके एक शख्स का नाम लिया। अफगानिस्तान दोहा के अंदर जो डील हुई उसके ऊपर वो बात कर रहे थे। ये अब्दुल कौन है और ट्रंप साहब इस वक्त ये गुफ्तगू क्यों कर रहे हैं? अफगानिस्तान से जो अमेरिका की विड्रॉल थी 2021 के अंदर, वो ये जो सदारती इंतखाबात होने वाले हैं अमेरिका के अंदर नवंबर के महीने में, इसके अंदर एक बहुत अहम नुक्ता बन के सामने आ गए हैं और एक जंग शुरू हो गई है। बाइडेन साहब और कमाला हैरिस एक तरफ, उनके निजाम, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन, और ट्रंप साहब के दरमियान जिन्होंने ये दोहा डील तालिबान के साथ साइन की थी या दस्तखत किए थे जिसके ऊपर माइक पॉम्पेयो ने, फॉर एग्जाम्पल। तो अब ये बात छिड़ी है कि जी ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जो विड्रॉल हुई थी उसके अंदर बाइडेन साहब ने जो उन्होंने डील की थी अब्दुल के साथ, जिनको उन्होंने कहा वो तालिबान लीडर थे, तो उन उस डील के बाद आसान हो जाना चाहिए था और कोई अटैक नहीं हुआ। सुने स्पेसिफिकली ट्रंप साहब ने क्या कहा अब्दुल के बारे में और डील के बारे में। But I got involved, and Abdul is the head of the Taliban. He is still the head of the Taliban. And I told Abdul, don't do it anymore. You do it anymore, you're going to have problems. And he said, why do you send me a picture of my house? I said, you're going to have to figure that out, Abdul. And for 18 months, we had nobody killed. We did have an agreement negotiated by Mike Pompeo. It was a very good agreement. जी, तो आप पता नहीं आपने गिना कि नहीं गिना कि कितनी बार डोनाल्ड ट्रंप साहब ने अब्दुल अब्दुल कहा, लेकिन ये अब्दुल कौन थे? ये थे अब्दुल गनी बरादर, जिनको पाकिस्तान से छूटने के बाद दोहा पहुंचाया गया और उसके बाद ये मुजाकरात शुरू हुए। और अब्दुल गनी बरादर जो है वो एक बहुत सिग्निफिकेंट लीडर है अफगानिस्तान के अंदर डिप्लोमेटिक साइड के ऊपर, स्पेशली फॉरेन मिनिस्टर नहीं है वो, मगर सीनियर लीडर है वो, मगर लीडर नहीं है वो। वो लीडर कौन है? वो है हिबतुल्लाह अखुनजादे साहब, जिनको आज तक किसी ने नहीं देखा। उनकी एका तस्वीर रोटेट होती हुई नजर आ तो रही है, मगर क्या वही है, कौन है, क्या है, नहीं पता। मगर हिबतुल्ला अखुनजादे जो है वो है स्पिरिचुअल लीडर अफगान तालिबान के। आप कह सकते हैं अब्दुल गनी बरादर एक तरीके से पॉलिटिकल ऑफिस के हेड थे दोहा के अंदर, और अब वो पॉलिटिकल हेड या पॉलिटिकल मैटर्स को जो है वो डील करते हैं, मगर अभी भी जो इंस्ट्रक्शंस आते हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर, दीन के ऊपर, वो आते हैं कंधार से। तो इसके ऊपर बात कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप साहब। ट्रंप साहब इस वक्त बहुत हॉट हुए हुए हैं। अच्छा, एक एक तीसरी कुव्वत भी सामने आ गई है, जिल स्टाइन और ग्रीन पार्टी। उन वो क्यों है, मैं उसको भी बात करता हूं। देखें, कमाला हैरिस अपनी एक कोलिशन बना रही है, सही है, ट्रंप साहब की एक अपनी कोलिशन है, उसके अंदर रॉबर्ट कैनेडी जूनियर, आरएफके जूनियर ने भी अभी हाल ही में सपोर्ट दिया उन्हें। फार राइट एलिमेंट्स भी अलाइंड हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ, फॉर एग्जांपल वो ट्रैवल कर रहे हैं एक कंस्पिरेसी थियोरिस्ट है लॉरा लूमर करके, वो एंटी इमिग्रेंट है, एंटी मुस्लिम है, वो यहां तक के 9/11 के ऊपर कंस्पिरेसी थियोरीज भी पेडल करती हैं। वो कहती हैं कि जी ये हमला अमेरिकी हुकूमत ने खुद ही करवाया था। तो अब वो पिछले कोई एक हफ्ते 10 दिन से हर इवेंट के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ वो नजर आ रही हैं, और इसने बहुत सारे यानी अमेरिकन मीडिया के अंदर अफवाहें भी शुरू कर दी हैं कि जी ट्रंप साहब का कोई चक्कर चल रहा है इनके साथ, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा। तो ये सब चीजें हैं जो अब जैसे इंतखाबात करीब आ रहे हैं, ये भी बेसिकली इशू उभर के सामने आ रहा है। अब ट्रंप साहब जो है वो यूक्रेन को लेकर भी बहुत बहुत ही कंसर्न तो नहीं कहूंगा, मगर वो कह रहे हैं कि जंग में आऊंगा जैसे उस जंग को खत्म कर दूंगा, और उन्होंने एक अपना एक पीस प्लान भी कहा एक दिया है बेसिकली रिपब्लिकन पार्टी को, उन्होंने दिखाया है कि ये मेरा प्लान है और इस तरीके से मैं बेसिकली ये हर जंग को हल करूंगा, प्रेशर डालूंगा सबके ऊपर, जेलेंस्की साहब के ऊपर ही प्रेशर डालूंगा। अच्छा, जेलेंस्की साहब के ऊपर प्रेशर डालना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जेलेंस्की साहब मांग रहे हैं अमरीका से लॉन्ग रेंज, जो अमेरिका ने मिसाइल दिए हैं सोफिस्टिकेटेड मिसाइल, वो कह रहे हैं कि जी हम रशिया के अंदर इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो ये इनकी कोशिश थी कि रशिया के अंदर इस्तेमाल हो, और अभी ब्रिटानिया के अंदर एक मीटिंग भी हुई, ब्रिटानिया कह रहा हूं, अमेरिका के अंदर डीसी में व्हाइट हाउस में एक मीटिंग हुई जहां पर ब्रिटानिया
के वजीर आजम, डिफेंस सेक्रेटरी सब मौजूद थे, कीर स्टार्मर, डेविड लैमी, और उनकी मुलाकात हुई प्रेसिडेंट बाइडेन से व्हाइट हाउस के अंदर। ब्लिंकन साहब भी मौजूद थे, ब्रेट मैकगर्क भी मौजूद थे, कर्बी साहब भी मौजूद थे, और इसके ऊपर मगर उन्होंने कहा कि पैसे तो हम देंगे यूक्रेन को, मगर हम ये लॉन्ग रेंज जो मिसाइल है जो नेटो ने दिए हुए हैं इसको इस्तेमाल करने की इजाजत फिलहाल नहीं दे सकते। तो ये बहुत एक अहम नुक्ता है और एक सेटबैक समझा जाएगा यूक्रेन ज़ेलेंस्की साहब के लिए, जो बेसिकली कह रहे थे कि जी मुझे आप ये दें वेपन्स, हमें अटैक करने दें। अच्छा, कैनेडियन पोजीशंस के ऊपर क्या है? ट्रूडो साहब ने कहा है कि इनको वेपन्स देने हैं क्योंकि यूक्रेन ये जंग हार नहीं सकता। एक हारी हुई जंग को वो कह रहे हैं कि हार नहीं सकता, और हार नहीं सकते इसलिए वेपन भी दे दो इस्तेमाल करने के लिए, कि वहां पर जाके ये वेपन इस्तेमाल करें रशिया के अंदर, और फिर जंग अजीम, तीसरी जंग अजीम की शुरुआत हो जाए एक तरीके से। तो क्या सोच रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा ट्रूडो साहब, मगर फिलहाल बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि याद रखें रशिया ने भी, रशियन एम्बेसडर ने भी, पुतिन साहब ने भी कहा कि अगर नेटो मिसाइल्स हमारी एरिया के अंदर लैंड हुए तो फिर ये एक खुली जंग हो जाएगी, फिर हम नेटो की जो नेटो मालिक हैं, पोलैंड हो गया, यूरोपियन के अंदर जर्मनी, जो भी मालिक हैं, अमरीका, हम उनको अटैक करेंगे, फिर यूक्रेन तक वो बात महदूद नहीं रहेगी। और इसलिए ये इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से एक है कि अपना फिलहाल उन्हें कहा कि जी हम नहीं दे रहे, कि हम अभी रोके बेसिकली। अच्छा, एक तरफ तो ये कार्रवाई चल रही है, यूक्रेन को पैसे भी देने की बातें हो रही हैं, ये सब चीजें पहुंचाने की बातें हो रही हैं यूक्रेन तक। इजराइल को लेकर अमरीका तो खुली छूट दी रही है, अमरीका जर्मनी ने, मगर कैनेडा ने ब्रिटानिया के बाद अब जो शिपमेंट्स थी कुछ बेसिकली कुछ वेपन्स की कैनेडा ने रोक दी, और अब नेतन्याहू साहब ने कैनेडा के ऊपर तनकीद की है, क्रिटिसाइज किया है कि जी आपने, आप कैसे रोक सकते हैं हमारी ये जो सर्वाइवल की जंग है, इसके इसको बेसिकली ब्लॉक करने के लिए आप ब्लॉक किस तरह कर सकते हैं हमारी जंग के अंदर। तो टाइड्स थोड़ी चेंज भी हो रही है, हमने देखा कि अपना या ब्रिटानिया के अंदर फॉर एग्जाम्पल एक ये खातून थी, पाकिस्तान ओरिजिन ब्रिटानिया की खातून थी, उनके ऊपर वो अपना जब ये मुजाहरे शुरू हुए तो बेसिकली वो एक बैनर लेके खड़ी हो गई। मैं उस मुजाहरे को मैंने भी कवर किया था एक्चुअली, पहले अक्टूबर की बात है, ये जंग शुरू हुई जब, उसके बाद मुजाहरे जो वहां पे शुरू हुए होना, तो उन मुजाहरों को मैंने भी कवर किया। तो वहां पे मरिया हुसैन साहिबा थी, वो एक प्लैक कार्ड लेके खड़ी थी, उस वक्त जो वजीर आजम थे यूके के ऋषि सुनाक, और जो उस वक्त एक बड़ी अहम लीडर थी कंजर्वेटिव पार्टी की, इंटीरियर मिनिस्टर भी आप कह लें तरीके से, सेक्रेटरी भी रह चुकी थी, सुहैला ब्रेवरमैन। तो उनको कोकोनट दिखाया कि वो बाहर से ब्राउन है अंदर से व्हाइट है, वो बैनर लेके जो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर भी वो खड़े थे, खड़ी थी, और फिर उनकी तस्वीरें वायरल हुई, पुलिस तक पहुंची, पुलिस ने नोटिफिकेशन इशू की, चार्जेस इनके ऊपर लगाई गई हेट क्राइम की, और उनका जो केस था उनको बाइज्जत बरी कर दिया गया है, क्विट कर दिया गया है कोर्ट ने मरिया हुसैन को, और जो भी इनके पास चार्जेस थी वो नवंबर 2023 के अंदर जो प्लैक कार्ड उन्होंने प्रोटेस्ट का उठाया हुआ था उसको लेकर वो चार्जेस अब बाहर फेंक दी गई है, और ये भी अब खुश नजर आ रही है, मगर इनके साथ बहुत ज्यादती भी हुई। और मेरे ख्याल से ये दिखाता है कि कहां डिबेट इस वक्त खड़ा है गाजा को लेकर, कि इतना यानी आप एहतजाज करने के ऊपर भी वो मुनाफिक जिनको आप अपना दिखा रहे हैं, दिखा के यार ऋषि सुनाक अपने लोगों के खिलाफ ही एक तरीके से जंग कर रहा है, वो तो कुछ सेंसिटिविटीज बहुत हो गई है इस एनवायरमेंट में, और सिचुएशन अब कहां जाएगी, एक साल होने को आ रहा है इसराइल के अंदर जो ये गाजा के अंदर ये पर ये जारी है, इसको ये कहां जाकर रुकेगी, रुकेगी भी कि नहीं रुकेगी, ये सब चीजें ऑब्वियसली हमें देखनी पड़ेंगी। मगर फिलहाल इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कॉन्टेंट, दोबारा हाजिर हूंगा आपके साथ जल्द ही, नेशनल न्यूज के ऊपर फोकस हम करेंगे soon in a few hours. तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।